हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुणा इंग्लिश कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। योर एग्जाम इज वेरी नियर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही करीब आ चुका है, इसलिए आप भी एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहे होंगे। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया भी था कि अब से जो भी हमारी वीडियो आएगी वो आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों को लेके आएगी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पैसेज को सॉल्व करवाए थे, और उसी तरह आज के इस वीडियो में हमने आपके इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी वन वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने लाया है। तो इस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हमने कवर किया है, और आपको भी ये जरूर पसंद आएगा, इसलिए आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। और जितने भी वन वर्ड इस वीडियो में करवाए जा रहे हैं आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसको लर्न भी कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पिछले कई सालों से लगातार आते जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग। जो हमारा पहला वन वर्ड का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग, यानी ऐसा कोई देश जिसमें राजा के द्वारा शासन किया जाता है। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी चार ऑप्शन दिए जाएंगे वन वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसको टिक करना होगा। तो इसमें देखिए, इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन ने लिखा है डेमोक्रेसी। तो देखिए, डेमोक्रेसी जो होता है डेमोक्रेसी वहाँ पे होती है जहाँ पे जो रूल या शासन होता है या जो भी गवर्नमेंट होती है वह पीपल यानी पब्लिक के लिए होती है या जनता के लिए होती है। तो ये जो डेमोक्रेसी है यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि जहाँ पे राजा के द्वारा क्या किया जाता है, शासन चलाया जाता है। आगे देखते हैं हमारा जो ऑप्शन सी है, इसमें लिखा है मैट्रियार्की। देखिए वहाँ पे ये कंट्री या ऐसा कंट्री कोई जहाँ पे वीमेन के द्वारा क्या किया जाता है, रूल किया जाता है, या महिलाओं के द्वारा या किसी ग्रुप ऑफ वीमेन के द्वारा जहाँ पे रूल किया जाता है, शासन किया जाता है, वहाँ पे मैट्रियार्की होता है। और आगे देखिए हमारा जो एक ऑप्शन जो डी है, ओलिग्रेकी। ये ओलिग्रेकी होता है किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जहाँ कहीं भी रूल किया जाता है, शासन किया जाता है, उसको ओलिग्रेकी बोलते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो लिखा है मोनार्की। तो हमारा जो सबसे सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मोनार्की। जब भी अगर किसी भी देश में राजा के द्वारा अगर शासन को चलाया जाता है तो वहाँ पे मोनार्की होता है, यानी राजतंत्र। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि गवर्नमेंट बाई पीपल फॉर पीपल। तो इसमें देखिए पूछा गया कि जहाँ पे पीपल या लोगों के लिए सरकार हो या जनता के द्वारा बनाई गई सरकार हो उसको क्या बोलते हैं। तो हमने जैसा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था वन वर्ड का उसमें ही बताया था कि जो गवर्नमेंट बाय पीपल होता है वो हमारा होता है डेमोक्रेसी, ना कि मोनार्की। मोनार्की तो होता है गवर्नमेंट बाय अ किंग। और यहाँ पे ओली ग्रीकी जो होता है उसमें बताए थे कि जहाँ पे गवर्नमेंट होती है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रूल की जाती है, वहाँ पे ओली ग्रीकी होता है। और ऑप्शन देखिए जो हमारा डी लिखा है ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी बता दें कि जहाँ पे गवर्नमेंट किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है, वहाँ पर हमारा होता है ऑटोक्रेसी। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल डेमोक्रेसी, यानी पब्लिक के लिए जो भी सरकार होती है वो हमारा होती है डेमोक्रेसी। तो इसलिए ए बी और ये जो डी है वो क्या है, रॉन्ग है। हमारा करेक्ट ऑप्शन से होगा डेमोक्रेसी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। जैसा कि देखिए वन पर्सन जब भी आ जाए तो आपको एक चीज़ तो जरूर याद रखना है कि जब भी वन पर्सन आ जाए तो वहाँ पे हमारा ऑटो वाला ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। तो इसमें देखिए तीन चार ऑप्शन दिए गए, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। तो जब भी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन अगर दिया हो तो आपको ऑटोक्रेसी को सही करना है। जहाँ पे भी किसी खास एक पर्सन के द्वारा अगर सरकार चलाई जाती है या रूल किया जाता है तो वहाँ पे हमारा होता है ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो होता है गवर्नमेंट बाय पीपल, और ब्यूरोक्रेसी जो होता है वह ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे होता है जहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वह सिविल सर्वेंट्स के द्वारा चलाई जाती है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी नहीं होगा।
एरिस्टोक्रेसी जो होता है, एरिस्टोक्रेसी जो होता है वो गवर्नमेंट बाई नोबिलिटी यानी जहाँ पे रईस लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है वहाँ पे होता है एरिस्टोक्रेसी, इसलिए एरिस्टोक्रेसी भी सही नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा ऑटोक्रेसी यानी गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ऑटोक्रेसी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज अ कॉल्ड। देखिए ये जो हमारा वन वर्ड का क्वेश्चन ये बहुत बार हमारे एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के कई एग्जाम में हमारे ट्वेल्थ के कई बार इसको एग्जाम में दिया गया, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये दो क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए पूछा गया है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। तो देखिए जब भी अगर पूछे कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, उसे हम बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। और एक देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पूछा है कि वन हु टेक्स द डार्क साइड ऑफ अ थिंग। जब भी ब्राइट पूछे तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि डार्क, अरे ब्राइट पूछेगा तो हम कहेंगे ऑप्टिमिस्ट, और जब डार्क साइड पूछेगा तो उसको हम बोलेंगे पेसिमिस्ट। ये चीज़ बिल्कुल याद रखना, ब्राइट साइड के लिए ऑप्टिमिस्ट और डार्क साइड पूछेगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पेसिमिस्ट। तो ये बाकी ब्राइटन ब्राइटोन और ये पेसिमिस्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही जो ऑप्शन है वो ऑप्टिमिस्ट है ना कि पेसिमिस्ट, और डार्क साइड जब भी पूछेगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पेसिमिस्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो पूछा है कि वन हु ईट्स एवरीथिंग। एक चीज याद रखिएगा, जब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर एवरी थिंग आए यानी एवरी वर्ड जब भी आए, तो एक चीज तो हमको लगभग याद रखना है कि 95% जो ऑप्शन होगा वो हमारा ओमनी से शुरुआत होगा, यानी जो भी वन वर्ड होगा एवरीथिंग एवरीवेयर या एवरी नॉलेज, जो भी एवरीथिंग से जो भी रिलेटेड कुछ भी होगा, एवरी वर्ड से जो भी वन वर्ड पूछा जाएगा उसका हमारा जो ऑप्शन होगा वो ओमनी से शुरुआत होगा। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन ओमनी से तो शुरू हो रहे हैं, एक है ओमनी ओरस, एक है ओमनी सी एन, लेकिन बाकी जो सी और डी है इसे तो हमको कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए फिर भी देखते हैं कि पूरे ऑप्शन में किस चीज़ के बारे में दिया है। तो हमारे देखिए जो क्वेश्चन था वन वर्ड का वो पूछा गया था वन हु ईट्स एवरीथिंग यानी ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो। तो देखिए वन हु ईट्स एवरीथिंग यानी ईट्स के बारे में, खाने के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो था ए हमारा था ओमनी ओरस और जो बी था ओमनी सी एन। तो देखिए जो ऐसा कोई व्यक्ति जो सब कुछ खाता है उसको बोलते हैं ओमनी ओरस। तो बाकी ये ओमनीसिएंट क्या है, तो देखिए ओमनीसिएंट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा रहता कि वन हु नोज एवरीथिंग यानी ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, तो ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसको हम बोलते हैं ओमनीसिएंट। तो ये हमारा पूछा था वन हु ईट्स एवरीथिंग, तो जो सब कुछ खाता है उसको क्या बोलते हैं, ओमनी ओरस बोलते हैं ना कि ओमनीसिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज। आप देखिए ये पूछा है कि जो प्राचीन समाज होता है या प्राचीन सभ्यता के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है, आर्कियोलॉजी बोला जाता है, हिस्ट्री बोला जाता है या एथनोलॉजी बोला जाता है। देखिए जब भी अगर एंशियंट सोसाइटी के बारे में पूछे, उसके स्टडी के बारे में पूछे, तो एंशियंट सोसाइटीज की जो स्टडी होती है वो हमारा होता है हिस्ट्री। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, जब भी कभी मैनकाइंड के बारे में या मानव जाति के बारे में जो भी स्टडी होता है उसको एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। आर्कियोलॉजी जो होता है वह आर्कियोलॉजी, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि जो स्टडी होती है ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेंस की यानी प्राचीन पुरातत्व संबंधित जो भी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो हमारा होता है आर्कियोलॉजी। फिर एथनोलॉजी क्या होता है, तो देखिए पुरानी सभ्यताओं के बारे में जो भी अध्ययन होता है, मानव से जुड़ी जो भी प्राचीन सभ्यताएँ होती हैं उसके बारे में जो भी अध्ययन होता है एथनोलॉजी।
तो इसको पूरे ऑप्शन को ज़रा ध्यान दीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी जब मानव जाति के बारे में स्टडी किया जाता है तो होता है एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी में हमने बताया कि द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेंस, यानी पुरातत्व तो संबंधी चीज़ों के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वो हमारा होता है आर्कियोलॉजी। और आगे देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री को तो ये आपसे क्वेश्चन ही पूछा गया था कि एंशियंट सोसाइटीज के बारे में जो भी अध्ययन होता है वो क्या होता है, तो हिस्ट्री होती है हमारी। एथनोलॉजी का मतलब होता है प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वो हमारा होता है एथनोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा हिस्ट्री, यानी द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज इज कॉल्ड हिस्ट्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि वन हु ईट्स अ वेजिटेबल्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो साग सब्जियों को खाता है उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए वेजिटेरियन कहते हैं, ऑप्शन बी लिखा है कि नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, ऑप्शन सी लिखा है कार्निवोर्स बोला है, ऑप्शन डी लिखा है कि नॉन ऑफ दीज। तो देखिए जो भी व्यक्ति ऐसा जो केवल वेजिटेबल्स को खाता है उसको हम वेजिटेरियन बोलते हैं, ना कि नॉन वेजिटेरियन। और कार्निवोरस क्या होता है? कार्निवोरस का मतलब वैसा जो व्यक्ति केवल ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा जीव जो क्या करता है फ्लेश यानी मांस खाता है उसको कार्निवोरस बोला जाता है। वेजिटेबल्स खाने वाले को वेजिटेरियन बोला जाता है, और जो केवल फ्लेश यानी जो केवल मांस खाता है उसको कार्निवोरस बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन था वो हमारा करेक्ट कौन था? ए वेजिटेरियन, यानी वन हु ईट्स वेजिटेबल्स उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स एज एट्सेट्रा आर केप्ट, यानी ऐसी कोई जगह जहाँ पे पक्षियों को जानवरों को क्या किया जाता है रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है अपियरी, अपियरी, फॉरेस्ट, जू। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा जू। देखिए इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा हो सकता है आपको कि ये जो ऑप्शन लिखा है ना अपियरी अपियरी, इसको भी देखिएगा। अपियरी उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे बीज को रखा जाता है, यानी मधुमक्खियों को जहाँ पे रखा जाता है उसको हम बोलते हैं अपियरी। और ये अपियरी जो है जहाँ पे बर्ड्स यानी पक्षियों को केवल रखा जाता है उसको बोला जाता है अपियरी। फॉरेस्ट की बात कुछ नहीं करेंगे। जू जो होता है जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स यानी इन दोनों को रखा जाता है वो हमारा होता है जू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा जू। अपियरी या प्लेस वेयर बीज आर केप्ट उसको बोलते हैं अपियरी, या प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट उसे बोलते हैं अपियरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत से विदेशी भाषाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन लिखा है लिंग्विस्ट, ग्रामेरियन, पॉलीग्लोट, बाइलिंगुअल। तो क्या ऐसे व्यक्ति जो बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज के बारे में जानता है उसको क्या बोला जाता है? क्या बाइलिंगुअल बोलते हैं या पॉलीग्लोट बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं या ग्रामेरियन बोलते हैं? तो इसको देखिएगा, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज को जानता है उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्ट, ना कि पॉलीग्लोट। और पॉलीग्लोट क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में जानता है। जब भी अगर ऐसे पूछे क्वेश्चन कि अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, ना कि फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बात करें, जब ऐसे अगर वन वर्ड पूछा जाए कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस तो उसको बोलेंगे पॉलीग्लोट। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे वन वर्ड में कि अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस तो उसको क्या बोलेंगे? लिंग्विस्ट। बायलिंगुअल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, दो लैंग्वेज को जानता हो, तो बायलिंगुअल होगा। बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में जो जानता हो पॉलीग्लोट होगा। अगर जो फॉरेन लैंग्वेज बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज के बारे में जानता होगा उसको क्या बोलेंगे? लिंग्विस्ट। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 9-10 है उसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट, लिंग्विस्ट, यानी अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। तो ये कुछ 10 सबसे इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड थे जो आपके एग्जाम में कई बार इसको रिपीट किया गया है, इसलिए मैंने इसको वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहा। अगर आपको ये वन वर्ड पसंद आया हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और एकदम इसको रट लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आना ही आना है। जो भी अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक होते हैं, उसी को हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप
आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके और भी जो भी फ्रेंड्स हो वो भी अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और एक नए टॉपिक को लेके जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।